हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम एंड आज के लिए जो टॉपिक मैंने उठाया है वो उठाया है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स तो आपको रिमाइंड करा दूं हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज एम क्वेश्चन डिस्कस सबसे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के सारे चैप्टर वाइज एम क्वेश्चन डिस्कस करें अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे एमसीक्यू क्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एम क्वेश्चन डिस्कस करने का हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हमें पता चल जाए कि भाई चैप्टर वाइज कौन कौन से मेरे चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हैं और कौन कौन से वीक टॉपिक्स हैं जोन से वीक टॉपिक्स होंगे ताकि हम उसे रिविजिट कर सकें तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड शेयर्स और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डाउट्स के लिए आप हमारा ई एस डिप्टी डायरेक्टर अनुजिंदल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और बाकी फैकल्टीज से भी डाउट्स पूछ सकते हैं ठीक है और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें डेली जीके क्विज़ जीके और क्विजेज होती हैं टॉपर स्ट्रेटजीज हैं पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको एग्जाम अपडेट्स मिलती रहेंगी साथ साथ मंथली जीके और लाइव वीडियो सेशन भी आपको एक ही इंडिविजुअल एक सिंगल ऐप में सारा का सारा कुछ मिल जाएगा ताकि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर सर्च करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े चले अब अपने क्वेश्चन की ओर तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है हम फाइव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको एक पेपर लेना है पेपर पे फाइव तक नंबर्स डाल लीजिए और आपको चेक करना है कि फाइव क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मतलब आपका चैप्टर बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है अगर मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको उस चैप्टर को रिविजिट करना है या फिर दोबारा से समझने की जरूरत है ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर इशूड एट जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं वो किस रेट पे इशू होते हैं फेस वैल्यू पे मेच्योरिटी वैल्यू पे प्रीमियम टू फेस वैल्यू पे या डिस्काउंट पे किस पे हमारे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स इशू होते हैं पहला क्वेश्चन क्या है व्हेन मतलब किस अमाउंट पे हमारे डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स इश्यू होते हैं अगर मैं एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूं आपको तो फेस वैल्यू क्या होता है फेस वैल्यू होता है वो अमाउंट जो शेयर के ऊपर लिखी होती है जिसमें हम शेयर कह रहा हूं बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है ठीक है जो कि हमारी पार वैल्यू होती है कि भाई एक कंपनी जब बॉन्ड इशू करने जा रही है तो उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया उस डॉक्यूमेंट पे लिखा ये बॉन्ड लेट सपोज हंड्रेड रुपीज का है दैट हंड्रेड रुपीज इज फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ठीक है मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है मैच्योरिटी वैल्यू होती है कि जिस अमाउंट पे कंपनी रीपे करेगी मेच्योरिटी डेट पे मैचरिटी डेट का मतलब सर वो डेट जब कंपनी हमारा पैसा या बॉन्ड का पैसा वापसी करेगी तो उस डेट पे जितनी अमाउंट कंपनी रीपे करेगी दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू सेम एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी ने बोला कि मैं हंड्रेड रुपीज का बॉन्ड आपको इशू कर रहा हूं और मेच्योरिटी डेट पे लेट सपोज फाइव ईयर्स के बाद आपको मैं वन ट्वेंटी रुपीज दूंगा तो दैट वन ट्वेंटी रुपीज इज दच्योरिटी वैल्यू ठीक है फिर आता है प्रीमियम टू फेस वैल्यू प्रीमियम टू फेस वैल्यू का मतलब मान लो कोई बहुत ही अच्छी कंपनी है जैसे कि रिलायंस अब जब वो बॉन्ड इशू करने गई ये सौ रुपये का तो उसने देखा कि भाई मेरे बॉन्ड की तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है क्यों डिमांड ज़्यादा है क्योंकि लोगों को पता है ये एक हाई क्रेडिट वर्दी कंपनी है ये हमारे पैसे जरूर वापसी कर देगी मतलब इसके डूबने के चांसेस नहीं है तो कंपनी ने क्या कहा कि मैं आपको ये हंड्रेड रुपीज़ का बॉन्ड रेदर देन हंड्रेड रुपीज़ आपको लेट सपोज वन ट्वेंटी रुपीज़ का दूंगी मतलब बीस रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करे एक बॉन्ड के जो ये ट्वेंटी रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करे ये क्या है प्रीमियम है बॉड हंड्रेड रुपीज का था कंपनी ने लिए कितने एक सौ बीस रुपए लोग क्यों खरीदेंगे एक सौ बीस का क्योंकि उन्हें पता है कंपनी अच्छी कंपनी है और ये कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी दैट इज प्रीमियम टू फेस वैल्यू और लास्ट आता है डिस्काउंट टू फेस वैल्यू मान लो कोई नई कंपनी है यह ऐसी कंपनी है जिसकी क्रेडिट वर्थिनेस अच्छी नहीं है मतलब जिसमें डलिमा रहता है कि वो शायद डूब ना जाए तो उस केस में इन्वेस्टर्स रिजिस्ट करते हैं उन बॉन्ड्स को परचेस करने के लिए तो अपने बॉन्ड्स की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए वो कंपनीज क्या करती हैं अपने बॉन्ड्स को डिस्काउंट में इशू करती हैं मान लो हंड्रेड रुपीज का बॉन्ड है तो सेवेंटी रुपीज में इशू कर रही हैं तो सेवेंटी रुपीज में इशू कर रही हैं दैट इज डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं वो किस रेट पे इशू होते हैं वो हमारे इशू होते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड हमारे इशू होते हैं डिस्काउंट पे और डीप डिस्काउंट का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे इशू होते हैं कि मान लो अगर हंड्रेड रुपीज का बॉन्ड है तो कंपनी सपोज लेट्सपोज फिफ्टी रुपीज में इशू कर रही है फोर्टी रुपीज में इशू कर रही है बहुत ही ज्यादा हैवी डिस्काउंट देती है कंपनी डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है जरूरी नहीं है सेवेंटी में भी इशू हो जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड ठीक है अब कुछ फीचर्स पढ़ बढ़ले हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड के तो जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं वो दीप, इतने डीप डिस्काउंट में क्यों इश्यू होते हैं सर क्वेश्चन तो राइज होना चाहिए ना कि कंपनी उन्हें इतना डीप डिस्काउंट पे क्यों इश्यू कर रही है तो इसका रीजन होता है कि कंपनी डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पे नहीं करती कंपनी डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट नहीं पे करती जनरली जब भी कंपनी कोई बॉन्ड इशू करती है तो एनुअली इन्वेस्टर्स को एक कूपन रेट मतलब एक इंटरेस्ट पेमेंट करती है बट जो बॉन्ड्स डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं मतलब जो हैवी डिस्काउंट्स में बेचे जाते हैं कंपनी उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करती इसीलिए वो बहुत डीप डिस्काउंट में इशू होते हैं कंपनी सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे रिडम्पशन वैल्यू पे करती है इन्वेस्टर्स को ठीक है अब एक चीज और सीख लें कि इन डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कैसे होगी वैल्यूएशन का मतलब कि जब हम बॉन्ड की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी फेस वैल्यू है मतलब जो भी रिडम्पशन पे वैल्यू मिलनी है प्लस अपॉन आर की पावर एन मतलब वही हमारा प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है इधर ठीक है तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे होता क्या है मान लो कंपनी ने बहुत डिस्काउंट पे इशू किया हंड्रेड रुपीज का बॉन्ड मतलब लेट्स सपोज सिक्सटी रुपीज में कर दिया अब वो पूरे साल इंटरेस्ट पे नहीं करेगी वो एंड में मेच्योरिटी के टाइम पे जो भी फेस वैल्यू होगी जैसे हंड्रेड रुपीज वो पे बैक करेगी इन्वेस्टर को ठीक है समझ आ गया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्काउंट टू वैल्यू चले नेक्स्ट क्वेश्चन ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप नो रिलेशनशिप या सेम रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया सर पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब हो गया सर कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो हमारा सॉरी बॉन्ड का प्राइस भी इंक्रीज होगा अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड का प्राइस भी डिक्रीज होगा इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड का प्राइस रिड्यूस होगा अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होंगे तो बॉन्ड का प्राइस राइज होगा नो no रिलेशनशिप मतलब बॉन्ड के प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है हम इधर बात कर रहे हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट की सेम रिलेशनशिप का कोई लॉजिक नहीं होता सेम रिलेशनशिप तो ये होता है कि लेट सपोज ए का रिलेशनशिप जैसा बी के साथ है वैसा ही सी के साथ है तो वो सेम रिलेशनशिप होता है यहां पर उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है दैट इज सेम रिलेशनशिप कि भाई ए का रिलेशन जैसे बी के साथ है वैसे ही सी के साथ है तो इधर ऐसा सेम रिलेशनशिप वाला कोई कंसेप्ट नहीं है तो मतलब ये ऑब्वियसली डी वाला पॉइंट तो वैसे ही कट गया तो बच्चे हमारे पास ए बी और सी तो हमें बताना है कि रिलेशनशिप कैसा होता है पॉजिटिव इनवर्स या नो रिलेशनशिप ध्यान से सुनना देखो जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है हमारा अगर वो मान लो एक बॉन्ड है हंड्रेड रुपीज का ही है उसका कूपन रेट है मान लो टेन परसेंट सिंपल लेके चलते हैं अब मार्केट इंटरेस्ट रेट हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गया लेट सपोज फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज होकर हो गया फिफ्टीन परसेंट मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा अब जो आज का इन्वेस्टर होगा मुझे बताओ वो किसी और से इस बॉन्ड को खरीदना पसंद करेगा या मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है फिफ्टीन परसेंट बॉन्ड का है टेन परसेंट तो जो आज का इन्वेस्टर होगा वो रेदर देन बॉन्ड किसी जो सेकेंडरी मार्केट में खरीदने की बजाय क्या करेगा आज के मार्केट पे इन्वेस्ट करना पसंद करेगा तो इससे होगा क्या इस बॉन्ड की वैल्यू इस बॉन्ड की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी क्यों डिमांड रिड्यूस होगी भाई मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होता सेवन परसेंट मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता तो अब यह वाला बॉन्ड लोगों को ज्यादा फैसिलेट फैसिलिटेट करता ज्यादा आकर्षित करता तो वो इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो इसकी डिमांड बनती तो बॉन्ड की वैल्यू या बॉन्ड के प्राइजेस इंक्रीज कर जाते मतलब जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है जो बॉन्ड होता बॉन्ड प्राइस होता है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कैसा रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि भाई अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग इस बॉन्ड को क्यों खरीदना पसंद करेंगे जिसका कूपन रेट ऑलरेडी कम होगा तो बॉन्ड का प्राइजेस क्या होगा रिड्यूस होंगे वहीं अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोगों को यह कूपन रेट ज्यादा फैसिनेटेड करेगा ज्यादा अच्छा लगेगा जिससे बॉन्ड के प्राइजेस इंक्रीज होंगे ठीक है समझ आ गया तो मार्केट इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इनवर्स रिलेशनशिप समय आ गया अच्छा कभी कभार वो भी पूछ लेते हैं हमारा बॉन्ड प्राइस और टाइम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है इसकी बात कर रहा हूं मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं हम बॉन्ड प्राइस और टाइम तो ये बात याद रखना कि जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा एक चीज होती है डायग्राम बना के दिखाता हूं कि मान लो ये बॉन्ड प्राइस है तो जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की ओर जाएंगे जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की ओर जाएंगे अगर हमारा प्रीमियम पे चल रहा होगा बॉन्ड तो वो मेच्योरिटी की मतलब पार वैल्यू तक आ जाएगा मेच्योरिटी पर मेच्योरिटी और अगर डिस्काउंट पे होगा तब तो भी वो पार वैल्यू तक आ जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या है जो भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू चल रही होगी जैसे 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 मेच्योरिटी की डेट पास आएगी वो बॉन्ड की वैल्यू चाहे वो प्रीमियम पे अभी चल रहा हो या डिस्काउंट पे चल रहा हो वो हमारा मेच्योरिटी के पास आते आते पार वैल्यू पे ही ट्रेड होना शुरू हो जाएगा मान लो हंड्रेड रुपीज का हमारा मेच्योरिटी मेच्योरिटी है और अभी वो फिर पे चल रहा है तो धीरे धीरे ऐसी अमाउंट होगी वन ट्वेंटी होगी वन टेन होगी और एट ऑफ द डे दंड्रेड हो जाएगी जिस दिन मेच्योरिटी होगी मार्केट वैल्यू बता रहा हूं मैं अगर मान लो डिस्काउंट पे चल रहा है सिक्सटी पे चल रहा है तो जैसे जैसे मेच्योरिटी पास आएगी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और पार वैल्यू के बराबर या जिस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है मेचोरिटी में जैसे हंड्रेड रुपीज का हमारा इस बॉन्ड है और ये हंड्रेड में रिडीम हो रहा है तो हंड्रेड के पास आ जाएगी समझ आ गया ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द बॉन्ड विल बी वैल्यूड एट तो पहली चीज तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और दूसरी चीज कूपन रेट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कूपन रेट से कूपन रेट क्या होता है सर कूपन रेट अभी हमने बात करी जो बॉन्ड होता है उस पर कंपनी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करती है जैसे अभी मैंने बोला था हंड्रेड रुपीज का बॉन्ड मान लो कंपनी कह रही है हर एक साल हम आपको टेन इंटरेस्ट देंगे मतलब जिस पे इंटरेस्ट मिलेगा मतलब हर साल हमें कंपनी दस रुपए देगी तो ये जो टेन परसेंट है दैट इज कूपन रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है जो इन्वेस्टर एज्यूम कर रहा होता है आज की डेट में कि मेरे को एटलीस्ट इतना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए लेट सपोज मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं हंड्रेड रुपीज और मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं एटलीस्ट हंड्रेड इन्वेस्ट करूँ एक साल बाद मुझे ट्वेल्व परसेंट अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है हमारा कुपन रेट से तो हो क्या होगा क्या मुझे मेरे को अभी जो हमने डिस्कस किया मुझे वो बॉन्ड अच्छा नहीं लगेगा क्यों भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में मेरे को 12 परसेंट रेट ऑफ रिटर्न मिले मेरी एक्सपेक्टेशन है 12 परसेंट वो दे कितना रहा है बॉन्ड हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है 10 परसेंट का तो होगा क्या मैं उस बॉन्ड को सस्ते में खरीदना चाहूंगा रेदर देन महंगे में क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा वो बॉन्ड तो मतलब जो वो बॉन्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी वैल्यूड होगी वो डिस्काउंट पे इस पे डिस्काउंट पे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है वहीं अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो जाएगा हमारा मतलब कम हो जाएगा लेट्स सपोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एट परसेंट या वो बॉन्ड दे रहा है मुझे टेन परसेंट तो मैं उस बॉन्ड को महंगे में खरीदने के लिए तैयार होगा एक्सपेंसिव में खरीदने के लिए तैयार रहूंगा तो तब वो मेरा क्या होगा बॉन्ड वैल्यू करेगा प्रीमियम पे और अगर हमारा रेट सेम रहेगा सेम रहेगा तो मैं पार पे ही खरीदने की कोशिश करूंगा ठीक है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिस्काउंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, फिर हमसे पूछा हुआ है कि दोनों करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है तो पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज डिपेंडेंट सोली ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट इट प्रोवाइड्स सेकंड स्टेटमेंट क्या है वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विथ सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन दैन वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट रेट ऑन द एनुअल बेसिस क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं क्या दोनों इनकरेक्ट हैं क्या वन करेक्ट है और सेकेंड इनकरेक्ट है या फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकेंड करेक्ट है तो एक एक स्टेटमेंट हमें पढ़ना और पता करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज डिपेंडेंट सॉली ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट इट प्रोवाइड्स मतलब कूपन रेट की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है सोली इसी पे डिपेंड नहीं करती ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है हमारी वैल्यू ऑफ बॉन्ड ठीक है कि रिडम्पन वैल्यू कितनी है और टाइम पीरियड कितना है बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारी डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी इनकरेक्ट सेकेंड है वैल्यू ऑफ बॉन्ड विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट अच्छा ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गई बचा बी और सी बी और डी तो सेकंड पॉइंट क्या है वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन द द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट रेट ऑन एनुअल एनुअल बेसिस सेमी पेमेंट और एनुअल बेसिस इंटरेस्ट पेमेंट का दोनों में फर्क देख लो ध्यान से मान लो मैंने हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट करे बैंक में दो केसेस लेके चलते हैं हंड्रेड इन्वेस्ट करें बैंक में एक केस है ए जो कि हमारा सेमी एनुअली मतलब बैंक मुझे इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअली कर रहा है और एक केस ले लेते हैं एनुअली कर रहा है और मान लो दोनों में ही इंटरेस्ट रेट है टेन परसेंट पर एन जिस केस में बैंक मेरे को एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है उसमें क्या होगा जैसे ही साल खत्म हुआ साल खत्म हुआ ठीक है एंड हुआ वो बैंक इस हंड्रेड रुपीस के मेरे डिपॉजिट्स पे टेन दे परसेंट देगा कितने हो गए पेमेंट का मतलब क्या होता है कि बैंक मान लो मैंने हंड्रेड रुपीज डिपॉजिट करवाए छ महीने बाद सिक्स मंथस के बाद सेमी एनुअल मतलब हाफ में बांट दे तो सेमी एनुअल मतलब हाफ में बांट दे हाफ मंथ्स बाद रुकेगा और वो चेक करेगा कि हरनीत सिंह जी ने हंड्रेड 10 पर एनएम देना टेन परसेंट तो पर एन है तो मंथली मतलब हाफ ईयरली कितना हो गया फाइव परसेंट तो हम इन्हें परसेंट की इंटरेस्ट पेमेंट देंगे तो फाइव परसेंट की देंगे तो मुझे हंड्रेड का फाइव परसेंट कितना हो गया फाइव रुपीज तो हंड्रेड प्लस फाइव वन जीरो फाइव तो आफ्टर सिक्स मंथ्स मेरी अमाउंट बैंक में कितनी हो जाएगी हंड्रेड एंड फाइव छह महीने बाद वो फिर देखेंगे छह महीने बाद देखेंगे हरनीत सिंह जी के हमारे पास पड़े हैं वन हंड्रेड फाइव रुपीजन का मुझे टेन परसेंट इंटरेस्ट देना है और मतलब फाइव परसेंट देना क्योंकि छह महीने का ही देना वन हंड्रेड फाइव का फाइव परसेंट कितना तो 10%, 10 हो गया 10 .5, तो टेन परसेंट टेन परसेंट हो गया टेन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट हो जाएगा हमारे पास फाइव पॉइंट टू फाइव तो ये फाइव पॉइंट टू फाइव रुपीज मेरे को और इंटरेस्ट देंगे तो मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगी साल के बाद 110.25। अगर आप देख पा रहे हो जहां पे कंपनी सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है बैंक वहां पे मेरी फाइनल अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एनुअल वाले में है ना तो जो हमारी वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगी वो सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट पे ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स प्रोवाइडिंग ऑन एनुअल बेसिस हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पेपर में उसके लिए हमें क्या करना होता है जो भी रेट दे रखा होता है जैसे अगर मैं सिंपल ले लूँ कि रिडम्पशन पे जो भी हमारा कैश फ्लोज है हम जनरली करते गए कैश फ्लोज को डिवाइडेड करते हैं वन प्लस आर की पावर एन से इस सबके सारे कैश फ्लोज को है ना हमारी बॉन्ड की वैल्यू आ जाती है मैं अगर बेसिक वैल्यूएशन की बात करूं तो बॉन्ड की वैल्यू आ जाती है तो अगर हमारा सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा ये तो हो गया एनुअल की बात अगर सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कैश फ्लोस को डिवाइड करना पड़ेगा मतलब रेट को तो डिवाइड करना पड़ेगा टू से सेमी एनुअल की बात कर रहा हूं और जो नंबर ऑफ पीरियड है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से हमें ऐसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा उसे ठीक है तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जिसमें हमने सीख लिया सेमी एनुअल अच्छा सेमी एनुअल की बजाय हमारा ये क्वार्टरली भी हो सकता है क्वार्टरली का मतलब आ, साल में फोर टाइम्स देख रही है बैंक हर महीने बाद देख रही है या मंथली भी हो सकता है कि हर मंथ के बाद इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है तो कुछ नहीं करना देखो अगर सेमी एनुअल तो कितनी बार हो रहे हैं दो बार कैलकुलेशन हो रही है क्वार्टरली है तो चार हो जाएगा तो इसको चार कर देंगे और इसको भी चार कर देंगे मंथली होगा तो इसको ट्वेल्व कर देंगे इसको ट्वेल्व कर देंगे डेली होगा तो थ्री कर देंगे थ्री कर देंगे ठीक है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट समझ आ गया चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड टोटल एसेट्स गिवन है टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स 45 लाख रुपीज का टेन थाउजेंड इक्विट्री शेयर लैख रुपीज दी बुक वैल्यू पर शेयर हंड्रेड्रेड टेन फिफ्टी वन फिफ्टी हमें निकालनी है बुक वैल्यू पर शेयर समझ आ गया अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है कि बच्चे गलती क्या करते हैं वो बुक वैल्यू सोचते हैं और बुक वैल्यू सोच के सोचते हैं कि बुक में तो वैल्यू हंड्रेड रुपीज है वो हंड्रेड रुपीज टिक मार आते हैं तो ये गलत है हमारा एक कंसेप्ट है बुक वैल्यू पर शेयर जो बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट होती है वो कैसे होती है बुक वैल्यू पर शेयर हमारी बराबर होती है जो कंपनी के एसेट्स हो गए टोटल एसेट्स एट बुक वैल्यू टोटल एसेट्स एट बुक वैल्यू माइनस टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो टोटल एसेट्स कितने हैं लाख के टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रेफर फोर्टी फाइव लाख रुपीज की अपॉन में आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने टेन थाउजेंड तो ये आ जाएगा फिफ्टीन लाख फिफ्टीन लाख को हम डिवाइड कर देंगे तो टेन थाउजेंड से तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास रुपीज वन फिफ्टी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन फिफ्टी याद रखना ए नहीं है ऑप्शन नंबर सी वन फिफ्टी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन फिफ्टी ठीक है ये हो गए हमारे पांच क्वेश्चन आपको बताना कि पांच में से आपके कितने करेक्ट हैं अब लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना होता है क्वेश्चन क्या है टू ऑफ अ बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय कूपन रेट इशू प्राइस रिडम्शन वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट ठीक है इशू प्राइस हमने अभी बात करी कि कितने में इशू हो रहा है तो प्रीमियम भी है, डिस्काउंट भी होता है कूपन रेट जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है जैसे टेन परसेंट और वो टेन रुपीज क्या होगा इंटरेस्ट अमाउंट रिडम्शन वैल्यू जितने में कंपनी रिडीम करेगी उस बॉन्ड को अब एक पॉइंट रह गया था कंसेप्ट हमारे <coughs> वो है जील टू मेच्योरिटी आप पूछोगे सर ये जील टू मेच्योरिटी क्या होता है टू होता है कि अगर मैं आज बॉन्ड खरीदू और उसे मेच्योरिटी डेट तक हेल्ड करूं होल्ड करूं अगर मैं आज बॉन्ड खरीदूं उसे मेच्योरिटी डेट तक होल्ड करूं तो कितनी इनकम मेरी जनरेट होगी दैट कितनी इंटरेस्ट मेमेंट मेरे को मिलेगी दैट इज यूल टू मेच्योरिटी हमें बताना यूल टू मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑप्शन नंबर एक कूपन रेट इश्यू प्राइस रिडम्पशन वैल्यू इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट अमाउंट ठीक है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास कब हमारी हर एक थर्सडे को हर एक थर्सडे को टू पी हम डिस्कस कर रहे हैं एम सी और ऐसे ही करते रहेंगे और सारा चैप्टर्स हमारे कवर हो जाएंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय टेक केयर सी सून